स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फिक्टी स्टडी में। आज हम लोग पढ़े कक्षा 6 गणित त्रिभुज भाग 1 अभ्यास कौन सा 13F। उल्टा लिख दिया हूँ, बस उसको ध्यान से देख लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 गणित अभ्यास 13F त्रिभुज, ठीक है, भाग 1। ठीक है, इसका जो पहला सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात कीजिए। ये तीनों सवाल दिए हैं, इसमें यहाँ पे जेड का मान ज्ञात करना है, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों का मान ज्ञात करना है, यहाँ पे एक्स का ज्ञात करना है सिर्फ। तो हम तीनों को ज्ञात करेंगे। देखिए बारी बारी से पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल में लिखा हुआ है क्या हमारा त्रिभुज है, तो लिखेंगे त्रिभुज 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 ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी के तीनों अंतः कोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग, अंतः ठीक ना, अंतः कोण का योग, कोण का योग, योग बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। इसका मतलब हो जाएगा कोण ए और प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर, दिख रहा आप लोगों को ना, कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब देखिए कोण ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा, कोण ए बराबर दिया हुआ 70, तो 70 लिख दीजिएगा। कोण बी बराबर कितना दिया, 72, तो 72 डिग्री लिख दीजिएगा। कोण सी बराबर हमको क्या दिया, जेड, तो जेड लिख दीजिएगा। और बराबर 100 कितना दिया हमारा, 80, तो 180 कर लीजिएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 142, मतलब 142 डिग्री प्लस यहाँ पर हो जाएगा जेड बराबर यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए ये प्लस है, उधर क्या हो जाएगा माइनस, मतलब जेड बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 माइनस 142 डिग्री। अब देखिए जेड बराबर तब कितना हो जाएगा हमारा, तो 180 में से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 38 डिग्री, मतलब जो जेड की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 80 डिग्री, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए दूसरे सवाल को करते हैं, तो दूसरा सवाल को यहाँ से करते हैं, देख लीजिएगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, ये इधर का है, ठीक है ना, दूसरे सवाल को देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ दूसरा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पहला, ऐसे लिखा हुआ है ऊपर में, पहला दूसरा तीसरा, तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए फिर से लिखेंगे कि त्रिभुज, इसमें दो चीज का निकालेंगे, पहले इस त्रिभुज का देखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी के तीनों अंतः कोणों का योग, तीनों ठीक ना अंतः कोणों का योग, अंतः कोण का योग, कोण का ठीक ना योग, योग बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। आप जानते हैं, अब तीनों को बोला है तो इसी तीनों इसी को देखेंगे त्रिभुज को, क्योंकि लिखा हुआ साफ साफ, तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण यहाँ पर हो जाएगा हमारा सी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। आप सबका मान रख देंगे, कोण ए बराबर कितना दिया हमारा इस साइड का, देखिए ए बराबर इस साइड का, ठीक ना, ए बराबर कितना दिया 40, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक ना। प्लस कोण बी बराबर कितना दे दिया हमारा एक्स, तो एक्स रख देंगे। कोण सी बराबर कितना दिया 45, तो 45 कर लेंगे। और बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो 180 डिग्री कर लेंगे। अब देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 40 और 40, 80 और 5 85, ये उधर जाके घट जाएगा, मतलब यक्स बराबर यक्स डिग्री बराबर 180, और ये दोनों जोड़ के इधर आएगा, तो क्योंकि प्लस उधर जाएगा माइनस, मतलब घट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 85। जब घटेगा तो एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 95 डिग्री, मतलब जो एक्स की वैल्यू है वो जाएगी 95, ठीक है। अब उसी तरीके से इसके सेकंड पार्ट, मतलब इधर वाले को करिएगा, मतलब लिख दीजिएगा त्रिभुज, यहाँ पे आप लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी बी ए डी सी में, ए डी सी में करेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करिए। देखिए दूसरा कर दिया हूँ, तीसरा आप लोग इसमें का ही दूसरा पार्ट वाला कर लीजिएगा, जगह नहीं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। मैं इस तीसरे को देखता हूँ, तीसरे सवाल में क्या दिया हुआ हमारा, ये त्रिभुज दिया हुआ है, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है हमारा 180 डिग्री, तो लिखेंगे हम लोग तीसरे सवाल में, देख लीजिएगा यहाँ से तीसरे सवाल में कि त्रिभुज त्रिभुज यहाँ पे जाएगा हमारा बी सी और डी में, त्रिभुज बी सी डी के तीनों तीना तीनों तीनों अंतः कोणों का योग, यहाँ पे लिखेंगे अंतः, ठीक ना, अंतः है कोणों का योग, कोणों का यहाँ पे हो जाएगा हमारा योग बराबर योग 180 डिग्री, कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा कोण ए और कोण बी है ना, तो कोण बी को लिखेंगे कोण बी प्लस कोण यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी प्लस यहाँ पर हो जाएगा कोण डी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। अब कोण बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 55 डिग्री, तो 55 कर लीजिएगा। कोण सी बराबर हमको पता है एक्स दिया हुआ, तो एक्स लिख देंगे, देखिए एक्स दिया हुआ है, ठीक ना, एक्स लिख देंगे। प्लस दिख रहा है आप लोगों को सही सही ना,
यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा साफ साफ दिख रहा है कि नहीं लास्ट तक, चलिए ठीक है दिख रहा। यहाँ पे हो जाएगा प्लस कोण डी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री और बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। अब 60 और 55 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 115, मतलब यक्ष डिग्री इसकल टू यहाँ पे हो जाएगा 180 और 115 उधर घट जाएगा मतलब 100 यहाँ पे हो जाएगा 15। अब घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा 115 अगर घटाते हैं तो कितना बच जाएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए इन दोनों को घटाते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा x डिग्री स्कल टू, अब 115 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 65 डिग्री, मतलब जो x की वैल्यू आ गई होगी 65 डिग्री। आप लोग इसमें का ये वाला पार्ट निकाल लीजिएगा, वैसे मैं आंसर बता रहा हूँ इसका आंसर कितना आ जाएगा 8 और 5 13 130 मतलब 180 में से 130 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ की वैल्यू 50 डिग्री आएगी इसका आंसर। ठीक है आप लोग इसका पहला सवाल इस तरीके से कर लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल दूसरे सवाल को देखते हैं कि दूसरा सवाल होगा कैसे, ठीक है ना। बहुत ही स्थिरता से और ध्यान से बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा, समझ में आया। मैं बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा बड़ा नहीं बनाना चाहता, छोटा छोटा बनाना चाहता हूँ, भले ही दो पार्ट में तीन पार्ट में हो जाए, ठीक है ना, ताकि आप लोग को बोरियत महसूस ना हो। चलिए हम लोग इसके दूसरे पार्ट को देख, दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि चित्रानुसार अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक त्रिभुज दिया हुआ है तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी और सी के तीनों अंतःकोणों का मान, तीनों ठीक ना, तीनों कोणों का मान लिख सकते हैं, कोणों का मान कितना होता है हमारा मान 180 डिग्री, बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री है, 180 डिग्री होता है, लिख दीजिएगा होता है, इस तरीके से लिख दिए होता है। अब देख लीजिए अंतःकोणों का मान कितना होता है हमारा 180 डिग्री होता है। अब देखिए यहाँ पे अंतःकोण नहीं लिखे क्या, चलिए ठीक है लिख लीजिएगा, त्रिभुज के ए बी सी के तीनों अंतःकोणों का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री होता है। अब देख लीजिए लिखेंगे हम लोग एक कोण ए प्लस यहाँ पे हो जाएगा कोण बी और प्लस यहाँ पे हो जाएगा कोण सी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 यहाँ पे डिग्री। कोण ए बराबर कितना दिया हमारा 3x प्लस कोण बी बराबर कितना दिया हमारा 60 डिग्री और प्लस यहाँ पे हो जाएगा सी बराबर कितना हो जाएगा x डिग्री, यहाँ पे x डिग्री बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। अब देखिए ये x है और यहाँ पे 3 है, 3 में x एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमारा 4x डिग्री प्लस यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। अब इसमें से 180 में से 60 घटा देंगे तो कितना बचेगा 120, मतलब 4x का स्क्वायर बराबर 4x डिग्री बराबर यहाँ पे इसमें से घट जाएगा तो मतलब 180 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री मतलब 4x डिग्री बराबर यहाँ पे हो जाएगा 120 डिग्री गुणा उधर जाएगा भाग मतलब x डिग्री बराबर यहाँ पे 120 बटे में कितना हो जाएगा हमारा 4, 4 से इसको घटा देंगे कितना हो जाएगा 30 डिग्री, मतलब यहाँ पे समझिएगा जो x की वैल्यू आ गई वो हो जाएगी हमारी 30 डिग्री। अब देखिए इसमें a की वैल्यू मतलब कोण a बराबर कितना दे दिया हमारा तो 3x, अब 3 के जगह पे लिखेंगे 3 और x की वैल्यू कितना हो जाएगी 30, दोनों को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब a की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 90 डिग्री। अब उसी प्रकार से हम लोग कोण किसका निकालेंगे b का, तो कोण b बराबर कितना दे दिया हमारा कोण b बराबर x की वैल्यू कितना है 30 डिग्री, तो इसका मतलब b की वैल्यू कितना हो जाएगी 30 डिग्री, तो a का भी निकल गया और b का भी निकल गया। उसी प्रकार से अब इसका दूसरा जो सवाल है उसको देख लेते हैं, दूसरे सवाल में हमको क्या ज्ञात करना वो देखिए, जहाँ पे x लिखा उसको ज्ञात करेंगे, इधर वाले को पहले निकाल लेते हैं। देखिए एक सरल रेखा पर बने कोणों का बने दो कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री, एक सरल रेखा है इस पर बने कोणों का मान कितना हो जाता है हमारा 180 डिग्री, तो लिखेंगे एक सरल रेखा पर पहले लिख लेंगे हम लोग क्या त्रिभुज ए बी सी में, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी के तीनों अंतःकोणों का योग, कोण का योग बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है अब लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, लेकिन एक लफड़ा फंस रहा है यहाँ पे ये कि इसका मान कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं कि त्रिभुज के एक ही रेखा पर बने कोणों का मान कितना होता है हमारा 180 डिग्री, इसका मतलब यहाँ पे अगर ये देखें यहाँ पे ये वाला जितना दिया हुआ है, ये वाला कितना दिया हुआ है, ये वाला जितना दिया हुआ है इसमें से घटा देंगे 180 में से इसको घटा देंगे, तो 180 में से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, तो 180 में से अगर घटा लेते हैं तो बचेगा हमारा 65 डिग्री, अंतर में 65 डिग्री होगा, मतलब सी की वैल्यू हमारा 65 पता चल गया। निकालने का तरीका यही है, लिखेंगे आप लोग कि सरल रेखा पर बने दो कोणों का योग, ठीक ना, यहाँ पर लिखेंगे एक ही सरल रेखा पर बने दो कोणों का योग,
मतलब बने सरल रेखा पर, मैं जैसा समझा रहा हूँ उसको समझना चाहिएगा, एक ही सरल रेखा पर बने दो कोणों का योग, ठीक है ना, दो कोणों का योग, कोणों कोणों का योग, योग कितना होता है हमारा 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब एक तरफ का हमको पता चल गया कितना हमारा 115 डिग्री, 115 डिग्री। दूसरा हम लोग मान लेते हैं कुछ भी रहा होगा, ए चाहे बी चाहे सी, सी है, एक तरफ क्या है सी, तो सी मान लेते हैं कि सी है, और बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। इसका मतलब ये उधर जाकर घट जाएगा, मतलब सी की जो वैल्यू आ जाएगी कितना हो जाएगा हमारी 65 डिग्री, क्योंकि ये उधर जाके घट जाएगा, मतलब 180 में से 115 घटाएंगे कितना हो जाएगा हमारा 65 डिग्री। अब देखिए सी की वैल्यू तो 65 आ गया, अब इसमें सब में मान रखेंगे, ए की जगह पर कितना डिग्री है, तो ए की जगह पर हमारा है कितना, ए की जगह पर 2x है तो 2x लिख दीजिए, और डिग्री प्लस बी की जगह पर कितना है, बी की जगह पर 3x है तो 3x लिख दीजिए, और प्लस सी की जगह पर कितना है 65 है तो 65 लिख दीजिए, और तीनों का योग कितना होता है हमारा 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री लिख दीजिए। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए तीन और दो, दो तीन कितना हो जाएगा 5x, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x और बराबर 180 डिग्री, और ये उधर जाके घट जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा हमारा 65 डिग्री, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 5x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 115 डिग्री, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 5 से इसमें भाग दे देंगे 115 में से हम लोग 5 को इसको भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए x बराबर 5 दुना के 10 और 5 तीन 15, मतलब x की जो वैल्यू कितना आ जाएगी हमारी, यहाँ पे x की वैल्यू 23 डिग्री आ गई। अब देखिए इसमें सॉल्व करेंगे तो a का मान, a बराबर कोण a बराबर कितना दे दिया हमारा 2x दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए 2x दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और x की वैल्यू कितना आया है 23, तो इस 23 को यहाँ पे क्या लिख देंगे, गुणा कर देंगे, तो x बराबर 23 दुना के 46, 46 डिग्री। उसी प्रकार से हम लोग c का निकालेंगे, यहाँ पे b का निकालेंगे, तो कोण b बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3x, तो x की वैल्यू कितना है 23, इसका मतलब यहाँ पे देख लीजिए 3 और गुणे कितना हो जाएगा हमारा 23, इन दोनों को गुणा करके लिखेंगे कितना हो जाएगा 3 × 9 और 3 × 6 69 डिग्री। तो इस तरीके से आप इसको निकालिएगा, समझ में आया, आपके पास जगह होगा तो नीचे निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं आप यहाँ पे निकालें, हमारे पास जगह नहीं थी इसलिए यहाँ पे कर लिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे के सवाल को देखते हैं कि आगे सवाल है कैसा। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगला सवाल देखते हैं, ठीक है।